दोस्तों आज की कहानी है करवा सौत वाला प्यार। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी नवंबर महीने हुई थी। अपने पहले करवा सौत का व्रत के लिए मैं बहुत उत्साहित थी। आम तौर पर सभी लड़कियां ऐसे ही उत्साहित होती हैं, मैं भी उनमें से एक थी। पर इसके लिए मुझे पूरे 10 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब आया मेरा पहला करवा सौत। मैंने बड़े ही उत्साह से व्रत रखा। ये मेरा पहला व्रत था। निर्जल सो भूख तो नहीं थी, प्यास लग रही थी। हालांकि मैंने इससे पहले भी अपने पति देव के लिए 5 दिन का निहारत व्रत रखा था। ये किस्सा किसी और दिन सुनाऊंगी, पर निर्जल व्रत पहली बार रखा था। दिन भर व्रत रखने हुए शाम को पूजा की तैयारी की। फिर तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, पति देव निहारते ही रह गए सांध का इंतजार करते हुए। मैं बेसब्री से आसमान को देखने लगी, पर बादल साए हुए थे जिस कारण सांध कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी पति देव किशन से एक प्लेट में मिठाई और पानी का ग्लास ले आए, एक बर्फी उठाई और मुझे खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और बोले, लो अब मिठाई खा लो। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरा व्रत टूट जाएगा, अभी सांध कहाँ निकला है। फिर पति देव बड़े आराम से वही बर्फी खुद खाने लगे। मैं गुस्से से बोली, अच्छा जी, मैं सुबह से आपके लिए भूखी प्यासी हूँ और आप अकेले अकेले मजे लेकर मुझे दिखा दिखा कर मीठा खा रहे हैं। पति देव बड़ा इतराते हुए शान से बोले, व्रत तो मैंने भी रखा था, पर मेरा सांध तो निकल आया है, इसलिए मैंने अपना व्रत खोल लिया। तुम्हारा सांध तो बादलों के पार कहीं सिपा हुआ है, तुम इंतजार करो। मैंने पूछा, कहाँ दिखा आपको सांध। तो पति देव मेरे नजदीक आकर बोले, माता सोमते हुए बोले, यह मेरा सांध। ये कहकर मुस्कुरा पड़े वो और मैंने नाज से अपना मुखड़ा उनके सीने में सिपा लिया। दोस्तों तो ये थी करवा सौत का प्यार, ये थी प्यार वाली कहानी। जो इस साल नई नई शादी हुई है, पहला करवा सौत का व्रत रख रही है, उनका भी प्यार ऐसा ही बना रहे। मैं भगवान से विनती करती हूँ और सभी स्त्रियों की मनोकामना पूरी हो, अपने प्यार हमेशा बढ़ता रहे और हंसी खुशी अपने पति के साथ जिंदगी गुजारे। सभी का प्यार बढ़ता रहे। हैप्पी करवा सौत सखियों।